हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर योर इंग्लिश ग्रामर बुक सो फ्रॉम द पेज नंबर ट्वेंटी थ्री यू कैन सी हियर चैप्टर नंबर फाइव कॉमन नाउंस एंड प्रॉपर नाउंस ओके कल ही मैंने कॉमन नाउंस क्या है और प्रॉपर नाउंस क्या है इसके विषय में मैंने आप लोगों को यूट्यूब में वीडियो पोस्ट किया था ओके आई होप यू गाइज हैव सीन दैट वीडियो एंड अंडरस्टूड एज पॉसिबल ओके आज हम क्या करने जा रहे हैं आज हम कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउंस का जो एक्सरसाइज है ओके पेज नंबर ट्वेंटी फोर और पेज नंबर ट्वेंटी फाइव का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे ओके okay? <coughs> तो उससे भी पहले एक बार रिमाइंड करते हैं कि कॉमन नाउन क्या है ओके कॉमन नाउन क्या है कॉमन नाउन कोई भी आदमी कोई भी जगह कोई भी एनिमल कोई भी चीज हो सकता है ओके okay? अंडरस्टैंडिंग अगर हम उस जगह को स्पेसिफिक नाम ओके, जैसे प्लेस प्लेस कौन सा प्लेस पटना ओके, पटना तो प्लेस क्या हुआ प्लेस कॉमन नाउन बनेगा क्योंकि सारे प्लेस को दर्शा रहा है ओके अंडरस्टैंडिंग जितना भी प्लेस है वो सारे प्लेस को दर्शा रहा है ओके कोई भी प्लेस हो सकता है अंडरस्टैंडिंग प्लेस बोलने साथ, कोई भी प्लेस हो सकता है ओके प्लेस बोलने के साथ सारी प्लेस इंक्लूड हो जाता है प्लेस के अंदर अंडरस्टैंडिंग तो प्रॉपर नाउन में क्या है प्रॉपर नाउन में कौन सा प्लेस पटना पटना क्या हुआ तो प्रॉपर नाउन बनेगा है कि नहीं क्योंकि पटना एक स्पेसिफिक प्लेस हुआ पर्टिकुलर प्लेस हुआ अंडरस्टैंडिंग तो प्लेस बस बोलने से वो क्या बनेगा कॉमन नाउन बनेगा ओके okay? और प्लेस को और स्पेसिफाई करोगे ओके okay, कौन सा प्लेस एक्चुअली कौन सा प्लेस पर्टिकुलरली पटना तो ऐसे ही डॉग डॉग क्या है कॉमन नाउन है क्यों कॉमन नाउन है क्योंकि डॉग का नाम नहीं दिया कौन सा डॉग क्या डॉग ओके इसीलिए कॉमन नाउन बना कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर में शुरू करना है ओके okay? लिखना है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है ओके okay? उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा कैपिटल लेटर जिसे एक जगह कंट्री कंट्री बोलने से कौन सा कंट्री hmm? कौन सा कंट्री ओके कंट्री बोलने से कौन सा कंट्री ऑटोमेटिकली क्वेश्चन अराइज हो जाता है तो वो क्या है कॉमन नाउन है ओके okay? कौन सा कंट्री यूएसए अमेरिका ओके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो क्या बना यहाँ पे कंट्री का प्रॉपर पर्टिकुलर कंट्री कौन सा प्रॉपर नाउन क्या बना यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका समझ गए प्रॉपर नाउन क्या है कॉमन नाउन क्या है तो यहाँ पे चेंज करते हैं हम पेज को यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर ट्वेंटी फोर में लेट्स डू द एक्सरसाइज हेयर ओके तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्लियरली ए नंबर एक्सरसाइज ए राइट द नेम्स गिवन बिलो इन करेक्ट कॉलम्स ओके okay? तो यहाँ पे तीन भाग दिया गया है एक पर्सन का भाग है दूसरा प्लेस का भाग है और तीसरा थिंग का भाग है ओके okay? तो इन्हीं तीन भागों में आप का यहाँ पे जितना भी वर्ड्स है जितना भी नाउन है उस नाउन को सिलेक्ट करके आपको अपना अपना भाग के अंदर भरना है ओके अंडरस्टैंडिंग पर्सन तो पर्सन क्या है मॉल क्या है पर्सन है नहीं गर्ल क्या पर्सन है, है? Hmm? Yes. Okay. तो क्या हुआ? में आया जी आई आर एल गर्ल ओके पार्क क्या पर्सन है पेंसिल क्या पर्सन है टीचर है? क्या पर्सन है यस टीचर इज पर्सन टी ए सी एच ई आर टीचर ट्री क्या पर्सन है गम है? है नहीं है स्टूडेंट क्या है पर्सन है एस टी यू डी एन टी स्टूडेंट तो ऐसे सिटी सिटी पर्सन है नहीं बेबी एक बेबीज पर्सन और क्या है नहीं है कोच सी ओ बू सी एच कोच जो ट्रेनर होता है ओके जो ट्रेन करता है ओके उसे कोच भी कहते हैं ना कोच ओके कोच तो ऐसे प्लेस प्लेस में देखेंगे मॉल क्या प्लेस है यस मॉल मॉल क्या है प्लेस है गर्ल तो लिख लिया पार्क क्या है प्लेस है पी ए आर के पार्क ओके अब पार्क प्लेस है और जितना भी बचा हुआ आप अपने आप सिलेक्ट करके आप होमवर्क कर लीजिए ओके एच डब्ल्यू होमवर्क अंडरस्टैंडिंग तो स्टूडेंट्स बी नंबर देखिए यहाँ पे एकदम केयरफुली सुनिए और देखिए अंडरस्टैंडिंग राइट एंड नाउन इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, ओके यहाँ पे दस सेंटेंसेस है दस सेंटेंसेस में, ओके एक एक तो फिल इन द ब्लैंक्स है उस ब्लैंक के अंदर आपको एक एक नाउन भरना है अंडरस्टैंडिंग नाउन कल्पना करके सोच करके आपको भरना है अंदर ब्लैंक्स के अंदर ओके तो पहला नंबर वन शुरू करते डैश वार्किंग एट

नंबर थ्री आई लीव इन अ वाइट डैश ऑन मेन स्ट्रीट व्हाट? वाइट हाउस ये सारी क्या है नाउन है डॉग क्या है कॉमन नाउन है कार क्या common noun है कॉमन नाउन है हाउस क्या है कॉमन नाउन सारी नाउन डालना है ओके चाहे वहाँ पे कॉमन नाउन भी हो सकता है प्रॉपर नाउन भी हो सकता है ब्लैंक्स के अंदर नाउन भरना है सोच के समझ के अंडरस्टैंडिंग फोन नंबर माई डैश टॉट मी हाउ टू राइट इन कैसिप कैसिप मतलब क्या है <coughs> सी मतलब जोरदार तरीके से लिखना ओके माय डैश टॉट मी किसने पढ़ाया था जोरदार तरीके से लिखने अच्छी तरीके से लिखने के लिए किसने टीचर माय टीचर ओके जस्ट राइट टीचर अंडरस्टैंडिंग टीचर के कॉमन नाउन ये वी गो टू डैश टू बाय फूड एंड क्लोथ्स फूड एंड क्लोथ्स क्या मार्केट मार्केट भी बोल सकते हो अदरवाइज आप मॉल भी बोल सकते हो यहाँ पे मॉल लिखा है ना ओके okay? आप मॉल भी लिख सकते हो अंडरस्टैंडिंग hmm? कुछ भी लिख सकते हो नंबर सिक्स यू कैन चेक आउट टू बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एल आई बी आर ए आर वाई लाइब्रेरी ओके सेवन नंबर द डैश डिलीवर अ लेटर टू आवर हाउस कौन डिलीवर करता है लेटर हमारे घर के घर में कौन लेके आता है लेटर हाँ पोस्टमैन ओके पोस्टमैन लिखना है आपको पी ओ एस टी एम ए एन पोस्टमैन ओके एट नंबर सी प्लेस द डैश इन म्यूजिक क्लास व्हाट गिटार भी बोल सकते हो वायलिन भी बोल सकते हो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ओके वो लिख सकते हो आप क्योंकि वो क्या है एक नाउन है ओके तो पोस्टमैन क्या हुआ नाउन hmm. हुआ तो ऐसे ही <coughs> यहाँ पे क्या लिखना है गिटार g u i t a r गिटार गिटार क्या है नाउन ये नंबर नाइन आई हैड अ पीस ऑफ डैश फॉर लंच पीस ऑफ ब्रेड ओके ब्रेड लिखने से भी होगा ओके 10 नंबर वी वेंट टू डैश एंड प्ले फुटबॉल वी वेंट टू व्हाट प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड भी लिख सकते हो अदरवाइज आप स्टेडियम भी लिख सकते हो ओके मैं भी प्लेग्राउंड लिख दूंगा ओके वी वेंट टू स्टेडियम लिखना अच्छा होगा ना स्टेडियम लिखते हैं एस टी ए टी आई यू एम स्टेडियम ओके वी गो वी टू स्टेडियम एंड प्लेड फुटबॉल ओके स्टेडियम थोड़ा अच्छा नाम होगा ना तो ऐसे ही आप पे देखेंगे पेज नंबर ट्वेंटी फाइव में यहाँ पर टर्न करिए अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ओके यहाँ पे छह सेंटेंसेस है इसमें आपको प्रॉपर नाउन हो या फिर कॉमन नाउन हो आपको जस्ट एंडरलाइन करना है ओके okay? तो ऐसे ही नंबर वन द प्लेन प्लेन क्या हुआ प्लेन तो कॉमन नाउन है द प्लेन लैंडेड सेफ्टी एट क्या हुआ नाउन ही हुआ द गर्ल द गर्ल क्या है नाउन है ड्रॉप द ग्लास ग्लास भी नाउन है ऑन द टेबल टेबल भी नाउन है ओके माई कैट कैट नाउन है ओके okay, प्ले तो वर्ब है स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या है ओके okay. तार बोलते हैं ना स्ट्रिंग यर्न मतलब क्या है धागा ओके okay. तो ये भी क्या है योंग नंबर फोर आई सो माई टीचर एट द स्टोर आई सो माई टीचर एट द स्टोर आई सॉ माई टीचर टीचर क्या हुआ नाउ है स्टोर भी क्या हुआ नाउ हुआ इज देयर अ डाइम इन द बैंक डाइम मतलब क्या है डाइम मतलब क्या है कोइन सिल्वर कोइन चांदी का कोइन जो यूएस कोइन बोलते हैं ना चांदी का ओके डॉलर डाइम इन द बैंक ओके पैसा डाइम मतलब पैसा ओके okay. तो पैसा क्या हुआ नाउन है ओके okay. बैंक भी क्या है नाउन है ओके देर वॉज अ यूज स्पाइडर स्पाइडर क्या है नाउ यूज स्पाइडर क्रॉलिंग फ्लोर फ्लोर भी क्या हुआ नाउन ही हुआ तो ऐसे ही डी नंबर राइट ईच नाउन इन अ बॉक्स ऑन द करेक्ट साइड रिमेंबर टू बिगेन ईच प्रॉपर नाउन विद कैपिटल लेटर ओके आपको यहाँ से आठ ऑप्शन से यहाँ पे आपको आठ ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है कौन सा कॉमन नाउन है कौन सा प्रॉपर नाउन है मगर रिमाइंडर क्या है हमेशा प्रॉपर नाउन का पहला वर्ड पहला लेटर क्या करना है कैपिटल हमेशा याद करना है कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर किससे शुरू होगा कैपिटल कैपिटल लेटर लेटर होगा होगा से शुरू कॉमन नाउन में तो कैपिटल लेटर शुरू नहीं होगा कॉमन नाउन तो स्मॉल लेटर में ही लिखना है मगर प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या होगा कैपिटल लेटर से शुरू होगा अंडरस्टैंडिंग कैपिटल लेटर लिखना है पहला वर्ड प्रॉपर नाउन का अंडरस्टैंडिंग तो देख लेंगे अटलांटिक है ओशन बोलने से कोई भी ओशन हो सकता है मतलब एटलांटिक है एकमात्र ओशन एटलांटिकटिक ओशन ओके तो ओशन क्या है प्रॉपर प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन का पहला वो, क्या है अटल्ट कैपिटल लेटर ए टी एल एन टी आई सी एटलांटिक ओ सी ई ए एन ओशन ओके एटलांटिक ओशन तो ऐसे ही लाइब्रेरी क्या है लाइब्रेरी तो कोई भी लाइब्रेरी हो सकता है ठीक है नोके अंडरस्टैंडिंग okay, अपना अपना लैंग्वेज का लाइब्रेरी भी, हो, सकते कोई भी हो सकता है कोई भी लाइब्रेरी हो सकता है लाइब्रेरी बोलने सर तो लाइब्रेरी क्या है कॉमन नाउन है एल आई बी आर ए आर वाई लाइब्रेरी तो ऐसे नंबर एकमात्र सेप्टेम्बर है सेप्टेम्बर दो तीन टू तो सेप्टेम्बर है नहीं है खाली सेप्टेम्बर एक है तो सेप्टेम्बर क्या है प्रॉपर नाउ एस ई -E पी टी एम -E बी आर -E तो पहला शुरू लेटर क्या होगा प्रॉपर नाउन का कैपिटल लेटर से होगा तो ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं ट्यूजडे ट्यूजडे क्या है ट्यूजडे एक ही ट्यूजडे है ओके वही ट्यूजडे रिपीट होता है एक ही ट्यूजडे तो ट्यूजडे भी क्या है प्रॉपर नाउन टी एस डी ए वाई ट्यूजडे ओके अंडरस्टैंडिंग और बाकी जितना भी है वो सब आपको होमवर्क होमवर्क करो खुद ओके okay? ये भी होमवर्क अंडरस्टैंडिंग जितना अधूरा होगा वो सब होमवर्क तो ऐसे यहाँ पे देखते हैं स्किल रूल में राइट अ प्रॉपर नाउन टू गो विध ईच कॉमन नाउन तो तो क्या करना है स्क्रीड्राइव में भी वेरी इजी ऐसे ही लिखना है मगर यहाँ पे कॉमन नाउन दिया गया है और प्रॉपर नाउन बनाना है उसी कॉमन नाउन को देखते हुए प्रॉपर नाउन को आपको खोज करके बनाना है जैसे ट्रक बोलने से कौन सा ट्रक प्रॉपरली कौन सा ट्रक पर्टिकुलरली एफ ओ आर डी फोर्ट अंडरस्टैंडिंग तो ऐसे रेस्टोरेंट कौन सा रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट का नाम कोई भी बोल दीजिए ओके रेस्टोरेंट का नाम एक रख दीजिए अपना अपने आप मगर प्रॉपर होना चाहिए रेस्टोरेंट कौन सा पंजाबी पी यू एन जे ए बी ए पंजाबी आर ई -E एस टी ए एन टी रेस्टोरेंट तो ऐसे ही आप पार्क कौन सा पार्क ओके कोई भी लिख सकते हो आप पार्क पर्टिकुलर पार्क का नाम क्या है ओके गांधी पार्क जी एन डी एच आई गांधी पार्क ओके ये क्या हुआ प्रॉपर नाउन हुआ ग्रल ग्रल एक लड़की कौन सा लड़की लड़की का नाम क्या है कौन सा लड़की लड़की का नाम लिखी यहाँ पे दीपिका दीपिका तो ये क्या हुआ दीपिका कुमारी के यू एम ए आर कुमारी तो ये क्या हुआ प्रॉपर नाउन बनेगा तो ऐसे ये होमवर्क ओके जितना भी बाकी रहा ये सब होमवर्क टीचर का नाम लिखिए स्कूल कौन सा स्कूल स्टोर कौन सा स्टोर ओके वेरी इजी अंडरस्टैंडिंग यू कैन डू बाय योर ओन ओके